नमस्कार, हम एशियन डिटेक्टर से है, हैदराबाद तेलंगाना। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9010548894। आज अपने पास एक कस्टमर आया है MD3010 मेटल डिटेक्टर लेने के लिए है। इसका ट्रेनिंग के लिए आया है। इसका ट्रेनिंग भी आपको बता देंगे कैसे करना है क्या है। अभी ये तो अपना आंध्रा से है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ये जो MD3010 है, ये खाली आपको 2 फीट तक जाता है जमीन के नीचे। जमीन के नीचे 2 फीट तक जाएगा। इसका पैनल देखिए ऐसा रहता है। ये पैनल में आपको यहाँ पर देखिए आयरन, गोल्ड, सिल्वर करके है। सेंसिटिविटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग या मोड, एंटर, पावर, पीपी, ये पूरा ऑप्शन है। डेप्थ का भी इंडिकेशन है। ये काली 2 फीट तक जाता है। या नगेट्स या ट्रेजर हंटिंग जो भी है, इसका जो कॉइल है 9 कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। ये कॉइल के साथ पे आपको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। वो कितने 2 फीट तक। अभी देखिए, अभी अपना कस्टमर को दे रहा हूँ। वो ऑपरेटिंग अभी तक ट्रेनिंग हुआ है। अभी आप ऑपरेट करेगा, ऑपरेट चेंज ऑपरेट करिए या इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अभी पावर ऑन करना है। अभी पावर ऑन कर दीजिए। यस, आपको जितना नॉलेज मालूम है वहां, यहाँ तो यहाँ पर सुला दीजिए उसको। ठीक है, तो आसान हो जाता है। अभी आप सेटिंग करिए। सेटिंग कैसे करना है? ठीक है, सेट उसके बाद ये जो है, ये सेंसिटिविटी है। यानी अगर आपको ज्यादा डीप चाहिए, ये सेंसिटिविटी को अभी इसको सेलेक्ट करा तो डेप्थ आपको, अगर ये सेंसिटिविटी कर सकते हैं ज्यादा डीप के लिए। अगर माइनस बोल तो माइनस, प्लस बोल तो प्लस। इसके बाद एंटर करना है। या ठीक है, ये माइनस बोल तो माइनस, प्लस बोल तो प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी आप समझा दीजिए। ये सेटिंग है, ये सेट बटन है। यानी आप इसको सेंसिटिव ऊपर नीचे कर सकते हैं। डेप्थ तो बोलते हैं सेंसिटिविटी को। अगर आप मोड पे गया, अगर आयरन ऑफ करना है, अगर मोड, अगर ये आयरन को ऑफ कर दिए, यहाँ पर इनटू मार्क आ जाता है, बस उसके बाद में एंटर करना है तो अपने को आयरन ऑफ हो जाएगा। फिर अभी अगर ये फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, वैल्यूम है, वैल्यूम को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यही सेटिंग है खाली आपको। आप एक अभी आप एक बार सेटिंग करिए। ऐसा आवाज आए तो क्या करना है? आप एंटर मारिए, एंटर मारिए। ठीक है, आवाज चले जाता है ऐसा। ठीक है, ये मेन थिंग है। ये MD3010 आपको खाली 2 फीट तक आता है डीप। आपको अगर आवाज ज्यादा आ रहा है उसको कम कर देना आप। अभी आप समझा दीजिए मुझे। पहला ऑफ करके ऑन करके समझा दीजिए। पहला पावर ऑन करना है। ये अभी आयरन मोड में है ना। सेंसिटिविटी को अगर ऊपर, ये जो बटन है सेट बटन है, सेट बटन को सेट प्रेस करा तो उधर इधर जाते हैं। जो ब्लिंक हो रहा है उसको माइनस प्लस कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर और एक बार प्रेस करा तो अभी आयरन को ऑन करना बोल तो फिर मोड मोड बटन है ना, ये मोड बटन को एंटर करना है तो वो ये हो जाता है। बाद में एंटर कर दिया तो फिर नॉर्मल आ जाए। ये वैल्यूम बोल तो वैल्यूम भी सेम। समझ में आ गया ना आपको? तो बहुत आसान है। ओपन लैंड पे थोड़ा सेंसिटिविटी को ज्यादा लगाने के लिए कोशिश करिए। अब अगर ऐसा आ गया ना, अभी ऐसा डाल दीजिए यहाँ पर। इसका डेप्थ का देखेंगे, डेप्थ जो भी मेटल है ये तो आवाज आ जाता है। अभी ये देखिए, एक जो प्लेट है अपने पास, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, आपको थोड़ा आवाज को बढ़ाइए, वैल्यूम को। वैल्यूम को कैसे बढ़ाना है आपको तो मालूम ना। हाँ, मेरे को चाप का आ गया। ओके, सेटिंग बस यही सेटिंग। अभी देखिए ये इसका इसका देखिए, कम से कम 2-2.5 तक आ रहा है। 2-2.5 साइज के हिसाब से 2-2.5 तो ये आराम से आ जाएगा। ये MD3010 है। इसका जो कॉइल का साइज है 9 इंच का है, वो आराम से आपको जो भी मेटल है उसके ऊपर आवाज आ जाता है। अभी वो गोल्ड भी लगा है, गोल्ड लगाया तो नंबर अलग आता है उसका। देखिए उस वहां पर देखो, ब्लिंक दूसरे नंबर पे आता है। किस में आ रहा है? 5 में आ रहा है ना, तो गोल्ड को उस पर आता है। मगर ज्यादा आप डिस्क्रिमिनेशन मत देखिए। इसको क्या आ रहा है? स्टील को ऐसा आ रहा है। किस में आ रहा है? एल।
यानी आप देखिए सब लोग बोलते हैं गोल्ड को भी अलग से बता देगा, मगर ये जो मशीन है अभी देखिए इसका, इससे पहले कि किधर बताया उसमें भी बता रहा है क्या? ऐसा ऐसा दिखा रहा है। नहीं, एक में ब्लिंक 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 वो आयरन और रेल का ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो आप छोड़ दीजिए, कौन सा मेटल है इस पे? तो ठीक है, आपको तो खाली जो डीप के हिसाब से जाइए, 2 फीट तक तो आराम से मिल जाता है इसे। ठीक है, आयरन तो ऑफ कर सकते, आयरन तो बता दिया आपको, तो आयरन तो ऑफ हो जाएगा। जो नहीं चाहिए आपको काली, वो सेटिंग्स पे क्या करना है उसको, आयरन तो बंद कर देंगे। हाँ, एक बार बंद करिए, एक बार ये सेटिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। आयरन को कैसे बंद करना आपका, आयरन को कैसे बंद करना आप समझा दीजिए बोलते हुए। आयरन को कैसे करना है, सेंसिटिविटी नेक्स्ट, अभी ये आयरन पे ऊपर आता ना, जो आयरन मोड में लगाना पड़ेगा, इनटू कर दिया तो हो जाता है, उसके बाद में एंटर करना, एंटर। अभी आपके पास जो आयरन लाया है वो निकाल के चेक कर लीजिए सर। अभी वो आयरन है ना, उस पे आपका जो बॉक्स में, आपका जो कवर में, चेक कर उसको लगा के चेक कर लीजिए, उसको लगाइए, आ रहा है क्या? ना, नजदीक लगा, इधर स्टील आयरन तो कुछ नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। स्टील खाली आयरन ऑफ होता है। एक सेकंड और ये भी देखेंगे, ये बैटरी भी आ रहा है, मगर ये स्टील का कोटिंग है ना, इसीलिए आ रहा है। जो प्योर आयरन है वही ऑफ होता है। अगर कभी आयरन में दूसरा कुछ धातु है तो पक्का पकड़ेगा, आप वो ध्यान दे देना है। आयरन का तो ऑफ होता है, मगर उस पर प्योर आयरन रहना चाहिए तभी ऑफ होएगा। ये तो कम प्राइस है काली, ये तो नहीं, ये तो इसका भी कोटिंग है, 12,000 रुपये ये तो काली, 12,000 रुपीज़ है आपको काली, 2 फीट तक मिल रहा है। अभी ये देखेंगे, ये भी आयरन को पकड़ रहा है, आयरन को बंद कर दिए। तो आयरन को बंद करने के बाद में नहीं है तो उसके ऊपर तो आवाज बिल्कुल आ जाएगा। तो अब अभी तो आपका तो सेटिंग तो आ चुका है ना, अगर ये ज्यादा तो आयरन तो ऑन करके लगाइए, मैं बोलता हूँ आयरन तो ऑफ कर, ऑन करके लगाइए। आयरन कैसे ऑन कर सकते हैं, ये मोड़ है ना उसको सेट करके, और एक बार प्रेस करिए उसको, अभी मोड़ ठीक है, एंटर करना है बस, हो गया बस। ये पीपी बटन बोलते एग्जैक्ट पिन पॉइंट है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट। अभी पीपी बटन पकड़ लीजिए, आवाज ऐसा आता है पिन पॉइंट, या ऐसा उसका ऊपर वो भी उड़ेगा, देखिए पकड़ के रहिए उसका एग्जैक्ट, उसके ऊपर रहा तो देखिए वो भी उसका जो ऊपर का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो नंबर भी बढ़ता है एग्जैक्ट उसके अंदर, उसके ऊपर रहा तो, इधर आ गया तो नहीं, उसको हटाया तो नहीं, उसके ऊपर गया तो फिर आता है, ये पिन पॉइंट बटन है। ठीक है, अभी आयरन ऑफ करने के लिए खाली ये जो बटन है, एक सेकंड, ये सेंस, इसको प्रेस करना है सेटिंग, अभी वो तो ब्लिंक हो रहा है, और एक बार प्रेस करो तो इधर आ जाता है, ये फर्स्ट वाला आयरन ऑफ करने के लिए खाली मोड बोल के यहाँ पर है, ये मोड वाला, ये मोड को क्लिक करा तो आयरन ऑफ हो जाएगा आपको। देखिए ये आयरन ऑफ हो गया, होने के बाद में एंटर मारना है, जो भी आप ऑपरेशन करते हैं एंटर तो पक्का मारना है, तब वो ऑफ हो जाता है। अभी आयरन तो ऑफ हो गया, इनटू मार गया तो आयरन ऑफ हो जाएगा, आपको जो जरूरत नहीं उसमें ये मशीन में ऑफ कर सकते हैं, ट्रैश मेटल या जो भी है इसको ऑफ कर सकते हैं आराम से। अभी आयरन ऑफ हो गया, प्योर आयरन को ऑफ हो जाता है। अगर फिर आपको कुछ ये सेटिंग्स जो भी वॉल्यूम बटन, अभी इसको आयरन को ऑन करना है या इनटू बटन चले जाना है, डबल करा तो कौन सा, अरे ये पूरा बंद कर सकते हो ना बोलते, ये दोनों बंद करके कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, जो आप देखिए अभी इधर आ गया, ठीक है अभी वो दोनों बंद कर सकते हैं, ऐसा आ गया तो उधर आता है, जो होना बोलते हो उधर, आप खाली ये एक करो, पूरा मत करो बस सर, साउंड देखो हाँ यही था इधर पेंच को गिंच को अगर ये जिधर ब्लिंक हो रहा है तो उसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, काले आयरन को ऑफ कर दिया, आयरन ऑफ हो जाएगा, वैल्यूम बटन है, अगर ये बोल तो बढ़ता है, ये बोल तो कम हो जाता है, अभी कम हो गया, और ज्यादा बोल तो उसके बाद एंटर करना है, एंटर हाँ हो गया बस। अगर आपको स्विच ऑफ करना है, काली पावर स्विच ऑफ करा तो स्विच ऑफ, ये तो बहुत आसान है काली, 2 फीट तक ही जाता है, उससे ज्यादा तो आपका तो नहीं मिलेगा बस। डिफरेंट एरिया में जब कितना दिन में